हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं नगर निगम जयपुर में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। फ्रेंड्स, तो इससे पहले कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स। और हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में भी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सर ये आपको वैसे भी जयपुर नगर निगम की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा फॉर्म और नोटिफिकेशन, वैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं जो ये वैकेंसी आपकी नगर निगम जयपुर हेरिटेज में निकली है वो वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और वैसे भी हम आपको इसमें प्लग करवा देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको बता दें कनिष्ठ तकनीक के साथ सहायक की ही वैकेंसी है, सिविल यांत्रिक में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाली। लेखा सहायक के लिए बी कॉम सी ए इंटरमीडिएट आई पी सी कंपनी सेक्रेटरी 12,000 रुपये सैलरी मिलती है। एम आई एस मैनेजर के लिए बी सी ए होना चाहिए, 12,000 सैलरी। शहरी रोजगार सहायक के लिए स्नातक प्लस आर एस सी आई टी कोर्स होना चाहिए, उसके लिए 75,000 सैलरी रहने वाला है। और फ्रेंड्स, जो आपके फॉर्म भेजने के, आप फॉर्म को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं इस एड्रेस पे, ऑफिस में डायरेक्ट भी जमा करा सकते हैं 6 बजे से पहले पहले, और डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन स्वप्रमाणित शैक्षिक योग्यता जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सहित दिनांक 25/7/2022 को शाम 6 बजे तक कार्यालय नगर निगम जयपुर हेरिटेज की वेबसाइट पर व्यक्तिगत या खुद भी पहुंचा सकता है बाई एंड, और डाक के द्वारा भी भेज सकता है फ्रेंड्स। सुनिश्चित कर लेना कि डाक के द्वारा आप भेजेंगे वो 25/7/2022 तक शाम 6 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में। तो यहाँ आवेदन का प्रारूप ये है, यहाँ पे आपको अपना फोटो लगा देना है, यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है, यहाँ पिता का फादर नेम लिख देना है हिंदी इंग्लिश में, नीचे आपको अपना लिंग लिख देना है मेल या पुरुष यहाँ पे लिख देना है फ्रेंड्स। पद का नाम लिख देना है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पद लिखेंगे, जाति लिख देंगे और उसका प्रमाण पत्र भी लगाएंगे आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फ्रेंड्स। आगे तक वर्ग लिखेंगे फ्रेंड्स, जन्म तिथि लिख देंगे, यहाँ पे आपको जन्म तिथि लिख देना है, दिन माह वर्ष यहाँ पे ऐसे लिख देना, आयु 1/1/2023 को आपकी कितनी थी वो लिख देना है, मूल निवासी कहाँ के यहाँ वो लिख देंगे, स्थायी पता लिखेंगे या पत्राचार का पता लिख देंगे, दोनों सेम है तो दोनों लिख देंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर लिख देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता कितनी है आपकी, और संग्रह प्रमाण पत्र क्रमांक लिख देंगे, कितने जो लगा रहे हैं आप कितने क्रमांक कितने हैं वो। यहाँ पे आपको माध्यमिक का वर्ष लिखना है, कब पास किया, बोर्ड का नाम लिखना है, प्राप्त अंक प्रतिशत और अन्य विवरण लिख देना है, पास या फेल वाला लिख देना है। सीनियर सेकेंडरी का वर्ष लिख देना है, यहाँ पे बोर्ड लिख देना है, प्राप्त अंक या प्रतिशत लिख देना है फ्रेंड्स। और स्नातक का भी ऐसे वर्ष लिखेंगे, डिप्लोमा का वर्ष, जिस आप जिस पोस्ट पे भर रहे हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन तक आपको भरना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, नोट समस्त संलग्न दस्तावेज और हस्ताक्षर साफ सुथरे एवं छाया प्रतिलिपि फोटो कॉपी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की काट छाट अशुद्धि पर एवं दस्तावेज सही दृष्टि से नहीं होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक के स्वयं के होगी, आपका फॉर्म वो कर दिया सर। दस्तावेजों की सूची यहाँ पे लिख देंगे, जो जो दस्तावेज है उनको क्रमा लिखेंगे क्या कौन कौन से दस्तावेज है, और यहाँ पे सूची बनानी है, शपथ पत्र है ये, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ आपको शपथ पत्र पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपको आवेदक अपना नाम भरना है, यहाँ फादर का नाम, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं पद लिखेंगे, दिनांक लिख देंगे, यहाँ पे प्राप्ति क्रमांक लिख देंगे और फॉर्म को फिल करेंगे। और आप अपना, मैं बता देता हूँ आपको पूरी डिटेल के साथ, इसमें फ्रेंड्स आपको एम आई एस मैनेजर की 18 वैकेंसी, 21 से 40 उम्र है, 12,000 वेतन है, इसके लिए बी सी ए डिग्री होनी चाहिए। शहरी रोजगार सहायक के लिए 29 पद है, 21 से 40 एज मांगी गई है, 7500 रुपये सैलरी है, स्नातक और आई टी आर एस सी आई टी आपके पास होना चाहिए। कनिष्ठ तकनीक साथ के लिए 6 पोस्ट है, 21 से 40 वैकेंसी है, 20,000 रुपये 20,000 मासिक सैलरी रहने वाली है, इसमें सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कनिष्ठ तकनीक साथ के लिए
सहायक के लिए 22 पद है फ्रेंड्स, इसमें आप 21 से 40 आयु होनी चाहिए, 30,000 मासिक वेतन रहने वाला है, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। लेखा सहायक के लिए 18 वैकेंसियां, 21 से 40 की एज मांगी गई है फ्रेंड्स, 12,000 मासिक सैलरी रहने वाली है, इसमें बीकॉम या सीए इंटर या सीए इंटर या आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें जो आयु की आपको गणना होने वाली है 1 जनवरी 2023 आयु की गणना होने वाली है। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ऊपरी उम्र में सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी। जो आपका फॉर्म आवेदन शुल्क आवेदन पदों पर निःशुल्क है, इसमें फॉर्म आपका निःशुल्क है, आपको वो करना नहीं है। डाक द्वारा भेज सकते हैं, बाई एंड भी पहुंचा सकते हैं। इस एड्रेस पर आपको कार्यालय नगर निगम जयपुर हेरिटेज आईआर जीवाई उर्बन सेल जलेबी चौक बड़ी चौपड़ जयपुर 30-20-03 राजस्थान के पते पर भेजना है। पंजीकृत डाक के माध्यम से पहुंचा जाए। आवेदक के साथ जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपको, शैक्षिक योग्यता सर्टिफिकेट, जन्म तिथि हेतु 10वीं का स्वयं का पता लिखा हुआ बिना डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भेजना है। एक जाति प्रमाण पत्र की लिपि भेजनी है। आरक्षित है तो अनुभव प्रमाण पत्र भेजना है, यदि आपके पास अनुभव हो तो। संतान संबंधी शपथ पत्र भेजना है, आधार कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र भेजना है। EWS दिव्यांग खिलाड़ी है तो उसका प्रतिलिपि भेज देनी है। बूथ सैनिक है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भेजना है। आवेदन के लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिख देना है और अपनी कैटेगरी लिख देनी है। साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको अभी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।